Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications. Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. लुधियाना के राणा हॉस्पिटल द्वारा एक मां की झोली में आईवीएफ तकनीक द्वारा डाला प्यारा सा लाल। जी हां, शादी के 32 साल बाद मिला मां बाप बनने का सुख। जब न बाबाओं के ताबीज से सुकून मिला, न दूसरी दवाइयों ने किया असर। लोगों की बातें सुन सुन कर तंग हो चुकी थी हरदेव कौर, अब मिल गया कुल का दीपक। हरदेव कौर ने किया डॉक्टर विजय दीप कौर का शुक्रिया। कपल साढ़े को 2017 आया से इन्हों की एज 50 ईयर्स है, तो इन्हों 32 ईयर्स तो बाद प्रैगनेंसी हुई है। इन्हों आईवीएफ असी इन्हों आईवीएफ ही सुजैसट किया, पर जो देखा गया इन्हों पीरियड्स बंद होन करके 2-3 ईयर्स हो गए से, इन्हों पीरियड्स बंद हुए उदे करके इन्हों यूट्रस बिल्कुल साइज से श्रिंक हो चुका सीगा। तो ईवन यूट्रस दी लेयर्स आपस से जुड़ गई सीगियां, उदे विच जाले बने हुए से जिन्हों असी एशरमैन सिंड्रोम कहने हैं। सो पहला हिस्ट्रोस्कोपिकली जिमें दूरबीन नाल बचेदानी के अंदरों वो सारे जाले रिमूव किए गए, एडिशन्स कट्टिया गई, तो यूट्रस का साइज़ दोबारा तो नॉर्मल किया गया। फिर मेडिसिन नाल साइज़ नूं बढ़ाया गया। फिर इन्हों का आईवीएफ किया सी मार्च 2018 च फस्ट अटैम्प्ट होया। फस्ट अटैम्प्ट ये कंसीव कर गए, बट अनलकीली थर्ड मंथ च अबॉर्ट कर गए बिकॉज बेबी की हार्टबीट बंद हो गई सी। उस तो बाद होर मेडिसिन के होर टैक्नीक्स जिमें PRP इंजैक्शन, तो उन्होंने यूट्रस की तह नूं इंप्रूव किया गया। तो फिर दोबारा IVF होया अक्टूबर 2018 च, जी जे फिर कंसीव करे सैकेंड टाइम। तो हूँ 1 June 2019 इन्हों का बेबी बॉय होया, तो बिल्कुल वैल एंड गुड हैगा। 1.8 kg वेट है, वेट बिकॉज ऑफ द यूट्रस साइज़, क्योंकि असं बिल्कुल नॉर्मल वर्गा साइज़ नहीं कर पाए, बट काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हो गई सी। सो बेबी का वेट इस करके थोड़ा जहा घट है, बट अदरवाइज बेबी इज़ फाइन एक्टिव, तो कोई इशू नहीं आंदा, वेरी हैप्पी। ये मलेरकोटला के नेड़े पिंड है, कुप कलां उतों है। 50 ईयर्स इन्होंने काफ़ी थावां ते दिखाया, देसी इलाज भी कराए, बाबियां कोल भी ते डॉक्टर्स कोल भी काफ़ी कराया, बट कितों इन्हां नूं सक्सेस नहीं मिली। कदे भी प्रैगनेंट नहीं सी होए, फस्ट प्रैगनेंसी इन्हां दी। नहीं, साडा एक पहला भी 50 ईयर्स ते होया, बट उन्हां दे इस तरह दीआं प्रॉब्लम्स नहीं सी, उह डिफरेंट सी। उन्हां दे दोनों बच्चे डाइड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, दो बेटे से उन्होंने, तो वो न्यूज़ भी इन्होंने अखबार से पढ़ी सी। एक्चुअली उतों ही इन्होंने होप हुई भी शायद हो सकता साढ़े भी इस तरह हो सके। ऐसे केसिस मेन कॉम्प्लीकेशन एक तो एज ज़्यादा करके होंगे, ठीक है। दूसरा जिमें यूट्रस का साइज समॉल सेगा, तो उस तो बाद जिमें प्रैगनेंसी भी कॉम्प्लीकेशन होंगे, प्रैगनेंसी के थ्रू इन्हों का BP बढ़ना शुरू हो गया सीगा, बेबी नू ब्लड फ्लो थोड़ा जहा घट जाता है क्योंकि यूट्रस का साइज छोटा रहता है। सो ये सारिया चीज़ों मद्देनज़र रखते हुए इन्हों की प्रैगनेंसी असं 8th मंथ तक कंप्लीट करा के फिर सिजेरियन किया। नाम जी मेरा हरविंदर सिंह, काम है जी ट्रांसपोर्ट का, ट्रकों का काम, तो उम्र हैगी 50 साल, पिंड है जी मलेरकोटले लागे कुप कलां। पहले तो दवाइया तो जी बहुत दूर दूर तक खादिया गई, अहमदाबाद रेंदे सी असी उदों भी, उत्थे भी ट्रीटमेंट चलता रहा, पर नहीं जो इतों आके मिले सानू होर कितों नहीं मिले है। हाँ जी, इत्थे तक जी आलमगीर तो ने जी डॉक्टर अपने, उन्होंने साढ़े फादर साहब की दवाई चलती सी उतों, उन्होंने सानू इत्थे भेजा। फिर इतों मैरिज नू हो गए जी साढ़े 32 साल हो गए जी सन। हाँ, हुण तां जी बहुत वधिया खुशी है। हाँ, लुधियाना से अजय भावा की रिपोर्ट।